नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी हम मौजूद हैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में और आपको हम यहाँ चल के दिखाते हैं कि आखिर कोरोना महामारी के बीच में भी पारस लगातार अपने पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो कैंसर के मरीज हों, चाहे वो ओपीडी सेवा लेने वाले हों, हर पेशेंट यहाँ पर आके अपना बेफिक्र होकर इलाज करवा रहे हैं। और ऐसे में आपको हम चल के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि आखिर आप ओपीडी सर्विस भी अगर यहाँ लेते हैं, ओपीडी में भी किसी डॉक्टर को दिखाने आते हैं, तो आप कितने सिक्योर हैं, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। और ऐसे में महामारी के बीच में कोई और बीमारी घर बैठे ना हो जाए, या कोई बीमारी है भी तो आप घर पे बैठ के उसे और बढ़ा ना दो इस डर से कि कहीं हॉस्पिटल जाए तो कोरोना ना हो जाए। तो इसकी वजह से आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप जान सकें कि हॉस्पिटल भी उतना ही सुरक्षित है। अगर आप किसी भी तरीके की किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर अस्पताल आके डॉक्टर से दिखा सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तलत हलीम और इनसे चल के जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और डॉक्टर आपको वो सारी ब्रीफिंग देंगे जो आप जिसके जो भी आप चिंता कर रहे होंगे घर बैठे हुए, आपकी चिंता इस वीडियो से ज़रूर दूर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू फॉर। पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट ये करना चाहते हैं कि आप दोनों मास्क पहन के आए हैं। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत ज़रूरी व्यवस्था है। आज भी अगर आप इधर से कुछ आवाज़ आ रही होगी, आप देखेंगे कि हम इसका पूरा फ्यूमिगेशन करते हैं। एक आदमी वो जाएगा, वो सारे एक एक घंटे में सारों को फ्यूमिंग दिखाते बात करते भी दिखाते सारों को वो फ्यूमिगेट करता है। आप किसी मरीज को ये नहीं देखिएगा कि वो बिना मास्क के अंदर घुस सकता है, हम नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, कोरोना कम हो गया है, सब कुछ हो गया है, मगर ये ख़त्म नहीं हुआ है। और एक डिज़ास्टर में एक चीज़ होती है जो कहते हैं कि डिज़ास्टर हैपन्स वेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वी आर कीपिंग दैट, कि नहीं, डिज़ास्टर कम हुआ है, डजेंट मैटर, फिनिश नहीं हुआ है। और एक छोटे से मास्क से अगर हम चार लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो हम बचाएंगे। डॉक्टर ने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे कोविड की जो बेसिक प्रोटोकॉल हैं वो बहुत बखूबी पारस हॉस्पिटल फॉलो करते आया है, चाहे वो मास्क लगाने की हो, सोशल डिस्टेंसिंग की हो, या सैनिटाइज करने की हो खुद को। आपको चल के दिखाते हैं कि पारस के गेट पे जो सैनिटाइज़ करने की जो प्रोसेस है, जैसे ही आप पारस के अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले खुद को सैनिटाइज़ करना होगा, और वो भी थोड़ा यूनिक अंदाज में है। सिर्फ मोस्टली बहुत जगह आप जाते होंगे तो आपको सिर्फ सैनिटाइज़र होगा, लेकिन यहाँ आपको सैनिटाइजर नहीं, यहाँ आपको एक डिफरेंट तरीके का क्लोथ मिलता है जिससे आप खुद को सैनिटाइज करते हो। डॉक्टर ये क्या है, आप थोड़ा अब बताते हैं। एक यहाँ पे बोट है, केवल 20 सेकेंड, ये एक सोल्यूशन होता है जो बीटाडीन का सोल्यूशन होता है। ये सारे स्टराइल होते हैं चीज़ें, हम उसको क्लीन करते हैं और 20 सेकेंड में रफली वी एक्सपेक्ट के 80% जो जर्म्स हैं वो हाथ से जाते हैं। कोरोना का जो जर्म्स है वो फेस मास्क से रुकता है। सो अल्टीमेटली आप देखिए कि हर आदमी को हम ये इंसिस्ट करते हैं, कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है जी। लेकिन इनके हाथ सैनिटाइज करने से, ये देखिए खुद वॉलंटरी कर रहे हैं ये, कि उसकी वजह से कितनों की ज़िंदगी बच जाती है, ये हम नहीं रियलाइज़ करते हैं। और स्पेशली जब मरीज़ आते हैं ना, तो किसी न किसी बीमारी से मुबतला होते हैं वो, और अगर हम ये और हाथ यूज़ कर लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, बिलीव मी इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सही बात है, क्योंकि हम महामारी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारी लापरवाही हमारे अपनों के लिए भारी पड़ सकती है। आप पीछे देखिएगा ज़रा सा, आप अपना कैमरा पीछे कीजिए, देखिए इनकी उम्र, ये दो लोगों की वृद्धा हैं, ओल्ड हैं, इनको एक छोटा सा भी जर्म होगा ना तो इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल तहलका मचा देगा। हेल्दी आदमी जैसे आप हैं या आप हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या थोड़ा फ़र्क पड़ता, मगर उनको बचाना मेरा फ़र्ज़ है। सिर्फ उनको नहीं, अपने हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको बचाना बहुत मेरा फ़र्ज़ होता है। सो हमने कहीं पे अपना गार्ड नहीं डाउन किया है, हम करते रहेंगे। जो थोड़े बहुत ICMR में चेंजेस आए हैं, जैसे पहले आया था कि अब RT-PCR करके फिर आप इलेक्टिव सर्जरी कीजिए, तो वो सब अब ख़त्म कर दिया उन्होंने। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई उनका RT-PCR नहीं करके अगर हम रैपिड कर लेते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं और उनको एक बीमारी छाती में होगी तो
वी टेक केयर दैट पीपल डू नॉट हैव कोरोना, और अगर एक आध दो के लिए डेफर हमको करना पड़ता है उनकी सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी, इमरजेंसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर उनको हमको डेफर करना तो हम डेफर कर देते हैं क्योंकि उनकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं जिनको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है आईसीयू ट्रीटमेंट सर्जरी के लिए, लेकिन जो ओपीडी वाले होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि आजकल तो गूगल की वजह से लोग खुद डॉक्टर बन गए हैं पहली बात तो, दूसरी बात कि अगर उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है भी तो वो महामारी के डर से ओपीडी सर्विस नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए, तो ऐसे में क्या कुछ ओपीडी केयर में यहाँ पे है, क्या कुछ सेफ्टी है? हमने एक व्यवस्था कर ली है कि आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस मिलेंगे। आज भी अगर जाएंगे तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन के पीछे हैं, वर्बली वो देख सकते हैं, वर्बलाइज कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। सो वी डू ऑल दैट के कहीं पे किसी को ये ना हो कि यार हम अस्पताल जाके कोरोना लेके वापस आएंगे। सही बात है क्योंकि आजकल अस्पताल एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई खुशी से नहीं आता है, लेकिन अस्पताल एक ऐसी ज़रूरी जगह है जहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है इस जगह की तो आप का बिना आए काम भी नहीं बन सकता है, और ऐसे में अगर ये सोचना कि महामारी चल रही है और अस्पताल जाके ही महामारी हो जाएगी, तो इसलिए आपको हम बताने ही आए हैं कि पारस HMRI हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। हर तरीके के कोविड प्रोटोकॉल्स का ये फॉलो करते हैं, जो भी ICMR के तहत जो भी प्रोटोकॉल दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, पब्लिक प्लेसेस के लिए, वो सभी यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, और ऐसे में अगर आप OPD सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पारस एक अलग व्यवस्था करके रखी हुई है, ताकि जो उनके पेशेंट हो वो बेफिक्र होकर यहाँ इलाज करवा सके और महामारी से बिना डरे स्वस्थ होकर घर लौट सके। डॉक्टर मैं बस चाहूँगी कि एक लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें, जो भी लोग घर बैठे ये इस चिंता में हैं कि बीमारी है, वो दर्द में भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर से कतरा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, एक मैसेज ये था कि पिछले 1.5-2 साल से लोगों ने अपनी बीमारियां किनारे कर दी थी, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो डर से नहीं निकल रहे थे, और उससे बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी हुई है, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं, लोग निकलते नहीं थे। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ से 2 साल पहले 150 शुगर लेके गए थे या 120, वो अब आते हैं तो 400 की शुगर हो जाती है, कैंसर उनका बढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। तो सबसे यही कहना है कि आप वापस आएँ, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेट अस कम टुगेदर, और वो जो हम 2 साल मिस कर गए हैं अपनी क्रॉनिक बीमारियों को, एज़मा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर, दबा नहीं सकते, आप वापस आइए, क्योंकि 2 साल बहुत लेट हो चुका है, आपको फिर वापस आना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत हलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर हम महामारी की बात करें तो हाँ, हम मानते हैं कि महामारी से इस देश में, इस दुनिया में कईयों ने अपनों को खोया है, कईयों की जान गई है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस महामारी के बीच में और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसी जानलेवा बीमारी हैं जिनसे लोग ग्रसित हैं और जिनसे लोगों की जान जाती है, और ऐसे में एक सिर्फ कोरोना के चक्कर में अगर आप घर बैठ जाए ये सोच के कि आपकी जो दूसरी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी खुद ब खुद, तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रहे हैं, और ऐसे में पारस HMRI हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी तैयारी कर रखा है, और पिछले 2 सालों में जब से महामारी ने दस्तक दिया है तब से पारस लगा हुआ है अपने पेशेंट्स को सही इलाज देने के लिए और महामारी से सुरक्षित रखने के लिए। तो ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए खास लेकर आए थे कि जिन्हें भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जिन्हें भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, वो बेफिक्र होकर अपना इलाज करवा सकते हैं, उन्हें अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, कोरोना से सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो प्रिकॉशंस कोरोना से आपको लेने की ज़रूरत है वो सब पारस ले रहा है, और अगर आपको कभी भी लगे कि आपके घर में कोई बीमार है या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप बेफिक्र होकर अपना इलाज करवाने आ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद।